जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में प्रीवियस क्लास में पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, इसमें हम लोग ये देखें कि किसी भी नंबर को किस तरह से 3q+1 और 3q और 3q+2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को 2q+1 और 2q को फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को 4q+1, 4q+2, 4q+3 इन इस सब के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ बेसिक्स और भी बचा हुआ है जो कि इस प्रकार है, जैसे इसमें हमको जान लेना जरूरी हो जाता है फंडामेंटल मेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक। इसका डेफिनेशन ये होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन ए यूनिक वे, यूनिक वे नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अरिथमेटिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 18 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 2। और इसी 6 को, इस 8 को हम 2³ भी लिख सकते हैं और इस 18 को 3² × 2 भी लिख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर किसको कहते हैं। प्राइम नंबर के बारे में हम लोग यह कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जो कि डिविजिबल हो 1 से या नहीं तो डिविजिबल हो इटसेल्फ से, इटसेल्फ से डिविजिबल है हो, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर जैसे आपका हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन। तो ये सारे जो नंबर आप देख रहे हैं, ये सभी नंबर्स या तो सिर्फ खुद से कटता है या नहीं तो यह 1 से डिविजिबल है, 1 से यह पूर्ण रूप से कट जाता है, तो ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यहां पर हम एक चीज और गौर करके देखें क्या, कि 8 जो है प्राइम नंबर 2 से बना हुआ है। 8 के लिए प्राइम नंबर सिर्फ 2 है और 18 में जो हम लोग यूज किए हैं इसमें 3 और 2 को यूज किए हैं प्राइम नंबर, और यहां पर 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें 3 और 2 का यूज किया गया है, ये है प्राइम नंबर। यानी ये प्राइम नंबर हमारा यह बताता है कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 18 एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ 18। अब इसके बाद हम लोग यह जाने कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर के बारे में हम लोग कह सकते हैं
कि द नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड कॉल्ड रेशनल नंबर रेशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल 4/5, 6/7, 21/2, 0/1, 0/2. लेकिन 2/ अगर 0 लिख देते हैं तो यह रेशनल नंबर नहीं होता है. 3/0 लिख देते हैं तो यह रेशनल नंबर नहीं होता है. एक चीज और जानकारी रखनी जरूरी है कि एनी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेसेस इन द डेसिमल फॉर्म. डेसिमल फॉर्म तो किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो किसी भी नंबर को हम एनी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल फॉर्म. डेसिमल फॉर्म और डेसिमल नंबर. ओके, तो अब यदि हम 4/6 को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें तो इसको लिख सकते हैं 0.1. आप डिवाइड करके इसको देख सकते हैं. अब यदि 6/7 को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें तो 0.857142 85 ये सब नंबर आते रहता है. उसके बाद यदि हम 21/2 को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें तो 10.5 आता है. उसके बाद यदि 1/3 को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें तो 0.3333 इस तरह से हमको नंबर्स मिलते हैं डेसिमल फॉर्म. उसके बाद यदि हम 10/3 को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें तो 3.3333 ये सारे नंबर्स मिलते हैं. तो यहाँ पर देखा जाए कि 1/3 को जब हम एक्सप्रेस किए तो ये 333 बार बार आते रहता है. उसके बाद 10/3 को अगर 10/3 का वैल्यू जब निकालते हैं तो ये 3.333 अप टू इन्फिनिटी तक चला जाता है. ये जो है इसका इंड नहीं होता है. इंड नॉट फाउंड. इंड नॉट फाउंड. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कुछ डेसिमल नंबर ऐसे हैं जिसका जो टर्मिनेट नहीं करता है, मतलब जिसका इंड ही नहीं मिलता है, वो आखिरी तक चलते चले जाता है. और कुछ ऐसे डेसिमल नंबर हैं जैसे कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट आता है 5, ये इंड कर जाता है. जैसे यहाँ पर 4/5 को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किए हैं तो 0.8 आता है. तो यानी कि यह इसके बाद कोई नंबर नहीं आता है. अब डिवाइड करके देखेंगे तो ये एग्जैक्टली इतने नंबर पे कट जाएगा. और यह जो है 1/3 कभी कटेगा ही नहीं, पर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा और ये 0.333 इस तरह से आते रहेगा. इस तरह के नंबर को हम लोग टर्मिनेट डेसिमल नंबर कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. और इस तरह के नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे. इसको देखते रहे आगे, आप समझेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है. तो ये डेसिमल नंबर जो है, डेसिमल नंबर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर.
तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जैसा कि आपने पिछले एग्जांपल में देखा, 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.8 टर्मिनेटिंग, 21/2 को क्या लिख सकते हैं, 10.5, ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर अगर 1/3 लिखते हैं हम इसको, तो ये 0.3333 इस तरह से नंबर्स आते रहते हैं। उसके बाद 1/10/3 को लिखते हैं तो ये 3.3333 इस तरह से आते रहते हैं। 20/6 लिखा जाए, सॉरी ETC, इस तरह के नंबर अगर 10/6 को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1.6666 इस तरह से आते रहता है। कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जैसे हम कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं, 0.12345793496257, इस तरह से कुछ ना कुछ अगर नंबर आते रहे तो इसको भी तो हम डेसिमल नंबर में शामिल कर लेंगे। जैसे ये एक नंबर डेसिमल नंबर, दूसरा डेसिमल नंबर, तीसरा भी आपका डेसिमल नंबर का एग्जाम्पल है, चौथा भी आपका एक डेसिमल नंबर के का ही एग्जाम्पल है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है कि दो भाग में बढ़ जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिपीटिंग डेसिमल नंबर, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। रिपीटिंग डेसिमल नंबर में हमारा ये पहला नंबर एग्जाम्पल, दूसरा और तीसरा, ये तीनों रिपीटिंग डेसिमल नंबर में आ जाता है। तो इस तीनों को अब शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या होता है, 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.3 पर रैकरिंग, और 10/3 को लिख सकते हैं 3.3 पर रैकरिंग। उसके बाद 10/6 को हम लोग लिख सकते हैं 1.6 पर रैकरिंग। इसी तरह से बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग रैकरिंग लगाकर ये समझ लेते हैं कि यह तीन बार बार रिपीट हो रहा है। अगर मान लीजिए 1.4646 पे रैकरिंग लगा हुआ हो तो इसका मतलब हुआ कि 1.464646 ये 46 बार बार रिपीट होता चला जाएगा, जिसको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल नंबर के अंडर में रखते हैं। और नॉन रिपीटिंग में जैसा कि एक एग्जांपल हमने लिखा, एग्जांपल नंबर 4, जिसमें कि डिजिट तो रिपीट हो रहे हैं लेकिन वो एक पेरियोडिक वे में रिपीट नहीं हो रहे, एक समान अंतराल में यह रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह के नंबर को हम नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। इसी के आधार पर इसका एक नाम और बनता है रैकरिंग डेसिमल नंबर, रैकरिंग डेसिमल नंबर, और इसी को हम कह सकते हैं नॉन रैकरिंग, रैकरिंग डेसिमल नंबर। अब यहां पर एक चीज आपको बता दूं कि वैसे नंबर, डेसिमल नंबर जो कि टर्मिनेटिंग हो, उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर्स, डेसिमल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो, तो इस तरह के नंबर को भी हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन यदि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि नॉन रेकरिंग हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर नहीं कहते हैं। ऐसे नंबर जो होते हैं इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इसी के आधार पर अगर कहा जाए कि इरेशनल नंबर, नंबर का डेफिनेशन क्या है, तो इसके डेफिनेशन में हम लोग यह कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल आप देखिए, अगर रूट टू का आप वैल्यू निकालें तो ये 1.414, ये कुछ ना कुछ इस तरह से नंबर्स आते रहेंगे जो कि रिपीट नहीं होता है, एक पेरियोडिक वे में रिपीट नहीं होता है। रूट थ्री का अगर आप वैल्यू निकालें 1.732, ये जो है नंबर्स कुछ ना कुछ आते रहेंगे लेकिन रिपीट नहीं होगा। उसके बाद अगर पाई का वैल्यू आप निकालते हैं, पाई हालांकि किसका रेशियो है, सरकम सरकम फेरांस बाय डायमीटर, तो सरकम फेरांस किसी भी पर्टिकुलर सर्कल का, सरकम फेरांस और डायमीटर का वैल्यू हजारों वैल्यू निकाल के देखा गया, तो ये वैल्यू जो है एग्जैक्ट, ये वैल्यू आपका रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ही होता है, यानी कि डेसिमल नंबर के बाद आपका यह वैल्यू, डेसिमल नंबर के बाद जो डिजिट आता है वो प्राय आते रहता है, वो रिपीट नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि इसका वैल्यू तो सर 22/7 होता है, एक्चुअली ये जो वैल्यू 22/7 है ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई का, यह है 22/7 अप्रोक्स वैल्यू है। इसलिए यहां पर हम इस तरह से कह सकते हैं कि पाई आपका इरेशनल नंबर है तो 22/7 जो है रेशनल नंबर हो जाता है, जो क्यों, क्योंकि यह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर आप कहें कि 22/7, तो 22/7 को जब डेसिमल नंबर में आप एक्सप्रेस करेंगे तो 3.14285 7142। अब यहां से जो है ये रिपीट होना शुरू हो जाता है, यहां से 1421428571 1421857, इस तरह से ये रिपीट होना शुरू हो जाता है। अगर इसको रैकरिंग में एक्सप्रेस करें तो आप देखेंगे कि ये सारे नंबर्स पे रैकरिंग लग जाता है, अतः ये आपका रेशनल नंबर है। जबकि पाई जो वैल्यू है, पाई ये सिंबल, ये वैल्यू चूंकि इसका डेफिनेशन है सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर, आप किसी भी सर्कल का एग्जैक्ट सर्कमफेरेंस और डायमीटर के साथ डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू इरेशनल नंबर आता है। उसके बाद यदि किसी भी नंबर में हम इस तरह से जैसे 0.12001200001200001200000 इस तरह से हम लिखें तो ये यहाँ पर भी रिपीट नहीं हो रहा है। बहुत बच्चे समझते हैं कि यहाँ तो सर रिपीट हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। 1 2 के बाद 2 0 आया, 1 2 के बाद 4 0 आ गया, 1 2 के बाद यहाँ मान लीजिए 5 0 आ गया, तो ये पेरियोडिक रिपीटेशन नहीं है। इसमें हम क्या कहते हैं, 1 2 0 0 पर रैकरिंग नहीं डाल सकते हैं। 1 2 0 0 पर रैकरिंग डालने का मतलब हो गया कि 1 2 0 0 को बार बार आना चाहिए, 1 2 0 0 को बार बार आना चाहिए, लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं है यहाँ पे। इसीलिए ये जो डेसिमल नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है।